यहाँ कभी लड़ने वालों की कमी नहीं रही, इसलिए इतनी बड़ी मुगल सेना शिवाजी का कुछ नहीं कर पाई। कामे ज्यादा नेता ना बनो, मार दे बम, यहीं छितरा जाइयो। हम तुर्कों से मुगलों से क्यों हारे? हमने कृष्ण से कुछ नहीं सीखा, हमने राम से कुछ नहीं सीखा। आदर्शवाद दुर्योधन जैसे लोगों के सामने नहीं लगाया जा सकता। कौन कहता है मारते घूमो सबको, लेकिन युद्ध सीखने के लिए किसने मना किया? हमारे इलाहाबाद में छोटे छोटे बच्चे, मैं मम्फोटगंज में था तो तारिक भाई की दुकान हुआ करती थी, पता नहीं अब है कि नहीं है, जगराम चौराहे पे। तो वहीं पे एक यादव जी का होटल है, वहां हम लोग कभी कभी खाना खाने आते थे, फवारा चौराहे पे। तो एक बार एक लड़के से मेरी साइकिल लड़ गई, छोटा सा बच्चा था। तो हमने सोचा बच्चा है छोटा सा, तो हमने उसे कहा देख के नहीं चल पाओ, तो काबे मार दे बम, छितरा जी हो यहीं पे। कक्षा 2-3 में रहा होगा, एकदम तंग पलट के खड़ा हो गया। कहा मैं ज्यादा नेता ना बनो, मार दे बम, यहीं छितरा जी हो। हमने कहा भारत की सरकार गलती हो गई सरकार, ये वो देश है, यहां कभी लड़ने वालों की कमी नहीं रही, लेकिन हम आदर्श लड़ाइयां लड़ते रहे। एक्चुअली भारत के लोग इतने निर्भीक, इतने निडर हैं कि वो छोटी मोटी चीजों को बहुत ज्यादा लोड नहीं लेते। लेकिन वही चीज कभी कभी, हम क्यों हारे? हम तुर्कों से मुगलों से क्यों हारे? क्योंकि ये जो सेंट्रल एशिया के लोग हैं, सेंट्रल एशिया, इनकी जो नीति है वो यही है, छुपकर हमला करने की। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से कमजोर थोड़ी थे, राणा प्रताप बाबर से, राणा सांगा बाबर से कमजोर थोड़ी थे। लेकिन सेंट्रल एशिया, फिर मैं कह रहा हूं सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया, मध्य एशिया की जो नीतियां हैं, मध्य एशिया का जो समाज है, वहां यही प्रचलन है। शकुनी भी तो अफगानिस्तान के हैं। एक आदमी पूरे मध्यकाल के इतिहास में एक आदमी है जो इनकी मध्य एशियाई नीति को समझता है, और वो है शिवाजी। इसलिए इतनी बड़ी मुगल सेना शिवाजी का कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि वो उसी भाषा में जवाब दे रहे थे जिसको ये समझते हैं। इस देश की जो रीति है, इस देश की जो रीति है, रीति राजपूती रीति, भारत की जो रीति है, किसी का तल हथवार गिर गई, हमने उस पर हथियार नहीं चलाया। यह इस देश की महानता है, यह इस देश की महानता है। लेकिन आदर्शवाद सिर्फ उस आदमी के सामने काम आता है जो आपके बराबर का आदर्शवादी है। आदर्शवाद दुर्योधन के सामने नहीं लगाया जा सकता। आदर्शवाद दुर्योधन जैसे लोगों के सामने नहीं लगाया जा सकता। आपका झगड़ा है भीम से, आपका झगड़ा है युधिष्ठिर से, आप उनसे लड़िए। आपके घर की स्त्री, आपके घर की स्त्री, आपके घर की, और आप उसकी साड़ी उतार रहे हैं, सिर्फ यही एक मुद्दा काफी है दुर्योधन और उसके साथ खड़े हुए लोगों को किसी भी तरह से मारे जाने को सपोर्ट करना, बस यही एक आधार काफी है। तुम इतने बदतमीज हो। हमने कृष्ण से कुछ नहीं सीखा, हमने राम से कुछ नहीं सीखा। राम कौन सा पिस्टल लेके सबको मारते घूम रहे, हाथ जोड़ रहे समंदर को? राम समंदर को हाथ जोड़ रहे हैं, भगवान है, इसीलिए भगवान है ना। समंदर सामने पड़ गया, लक्ष्मण जी थोड़ा सा है पूर्वांचल टाइप के, वो है उनके अंदर अदा है पूर्वांचल वाली, कि अरे भैया आप बाहुबली हैं, आप हाथ जोड़ रहे हैं इसको। लेकिन राम भगवान है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो हाथ जोड़ते हैं समंदर को कि भैया चाचा हमको रास्ता दे दो।
समंदर की अपनी मजबूरियां थी, नहीं दे पाया बेचारा, प्रभु दर्शन को अति व्याकुल था, नहीं दिया, नहीं दिया। तो जब 3 दिन बीत गए, तुलसी ने कितना बढ़िया लिखा है, विनय न माना जड़ जल गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। ये देश अपनी संस्कृति को भूल गया, अपने इतिहास को भूल गया। कौन कहता है मारते घूमो सबको, लेकिन युद्ध सीखने के लिए किसने मना किया है? राम से जो गले मिला वो उससे गले मिले, कृष्ण से जो गले मिला वो उससे गले मिले, लेकिन जिसने बदतमीजी की भारत को ऐसा बनना है,